गांधी समाधि पर दीपावली के पर्व के अवसर पर लगाई गई पटाखों की दुकानें। पटाखा कारोबारियों ने कहा कि इस बार जमकर हुई खरीदारी। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में गांधी समाधि पर दीपावली के पर्व के अवसर पर पटाखों की दुकानें लगाई गई थीं। इस दीपावली पर जमकर लोगों ने खरीदारी करी। वहीं पटाखा कारोबारियों ने कहा कि पिछले 2 साल से कोविड के कारण कारोबार प्रभावित रहा, लेकिन इस बार दीपावली पर खूब बिक्री हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार कारोबार अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। वहीं अब आइए सुनते हैं दुकानदार और क्या कह रहे हैं। सर, मेरा नाम सुरेश सैनी है और अब कैसे मैंने गांधी समाधि पे दीपावली की दुकान लगाई थी पटाखों की, दीपावली का अवसर पर। जी जी, पटाखे बेच रहे हैं और काम ठीक रहा था। और अपना ग्रीन पटाखों की ज़्यादा डिमांड रहती है, और ग्रीन पटाखों से प्रदूषण वगैरह कम होता है और बकाए जो होते हैं प्रदूषण वाले ज़्यादा होते थे पहले, अब के इसलिए जो है पटाखा थोड़ा सा महंगा जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी सही दिया था काम, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 साल में क्या हुआ था काम? वो असल में कोविड की वजह से काम हल्का था, इस वजह से अब कैसे काम ठीक ठाक रहा है, अच्छा चला है। ठीक है सर, पिछले 2 साल। हाँ हाँ, पिछले कोविड की वजह से पिछली बार बहुत मदद दिया था, लेकिन आपके काम सही दिया था। लोगों में उत्साह? हाँ, लोगों में भरपूर उत्साह था। दीपावली वाले दिन धप के दुकानें चली हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा पटाखा बिकता है? सबसे ज़्यादा ग्रीन पटाखा बिकता है, जैसे ग्रीन हाइड्रो हो गया और फुलझड़ी हो गई और अपने अनार बम वगैरह होगा। अनार ज़्यादा छूटता है क्योंकि वो जो होता है बच्चों का आइटम है, अनार वगैरह होगा, फुलझड़ी हो गई, ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। जी, मेरा नाम जमाल है और गांधी समाधि पे हमारी ये पटाखों की दुकान लगी हुई है और इस बार की हमारी दिवाली भी काफ़ी अच्छी गई है और हमारे पास जो होते हैं हर तरह के प्रकार के पटाखे होते हैं, जैसे अपना चक्कर है, रॉकेट होता है, फुलझड़ी होती है, शॉट होते हैं और क्या कहते हैं। कौन से पटाखों को ज़्यादा डिमांड? ज़्यादातर डिमांड रहता है आसमानी फायर का डिमांड रहता है, जैसे स्काई शॉट होता है, 25 शॉट, 30 शॉट होता है, 12 स्टार होता है, इनका ज़्यादा डिमांड रहता है बड़े पटाखों का। पिछले 2 साल कोविड रहा। जी जी, पिछले 2 साल क्या था और इस बार मार्केट का? जी, पिछली बार 2 साल जो रहा था मद्दा रहा, मतलब कोई काम, मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं रहा, इस बार ज़्यादा बेहतर रहा। कोरोना की वजह से ज़्यादा, मतलब मैं मतलब जो था कंडीशन ख़राब चल रही थी, इस वजह से काफ़ी लोग आ नहीं रहे थे कोरोना के चक्कर में, तो इस बार मतलब माहौल काफ़ी सही रहा, बेहतर रहा, तो इस बार ज़्यादा बढ़िया मतलब काम रहा इस बार। अच्छा, बिजनेस हो गया और? जी, लमसम मान के चलो जैसे कि 100% में लमसम मान लो 60% बेहतर रहा इस बार, मतलब 2 साल से, मना तो पिछले साल जैसा कि मतलब 40% 50% रहा, इस बार 60% रहा, 1-2 करोड़ तो हो गया कम से कम। अच्छा रहा इस बार का काम भी, बेहतर मतलब 2 साल से अच्छा बेहतर रहा।